देखला बस एक पहिले पहिले हम कइनी छठ माई बरत को हां भाई जरा करी हा छमा छठ माई बोल चुक गाना पिया मार बाबू बेला में सवेरे की टाइम तू गाए और आप किसी भी ने क्या जाके जाइए, हमारे मुख्यमंत्री साहब हो चाहे कोई नेता हो, जाके बिना बताए पेट का फुलफार पूछी नहीं बता पाएंगे। जो सिर्फ धोती कुर्ता पहन के इस समय बैठे हैं चला रहे हैं सरकार, हम यहाँ बीए बीएससी एमएससी बीएड कर करके आएंगे यहाँ देंगे कि पेट, पहले हम पेट पास करें, हमारी प्राथमिक योग्यता देखेंगे, ये अपनी योग्यता दिखाएं तब हम जाने की ये सरकार चलाने लायक है। पीटी की अहर्ता कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। जब एक नेता लोकतंत्र में 5 वर्ष का अधिकारी होता है तो पीटी 1 वर्ष के लिए क्यों होनी चाहिए? दूसरा, सबका विकास सबका साथ का ढोंग करने वाली सरकार, ढोंग बिल्कुल ढोंग है, क्योंकि समाज 37 लाख लोगों के लिए फॉर्म निकाले, फॉर्म निकाले एहसान किया आपके ऊपर। समरसता समरसता और समानता के अंतर को इनको समझना चाहिए। जितनी हमारी बहने हैं उनको आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर होना चाहिए। बात कर देते जहाँ हम लोग कभी जाने नहीं है, नकल वकल नहीं है भैया, ये क्या है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार 70-120 रुपए ऑनलाइन करवाने लेंगे, वहाँ 70 रुपए वहाँ बेनिफिट हुआ, यहाँ आके 150-150 रुपए जो होगा राज्य परिवहन को फायदा होगा, बस यही मकसद है। बाकी अगर नकल रोकना, हाई स्कूल इंटर के पेपर आप दिलवा रहे हैं गाँव में दिलवा रहे हैं ना, वहाँ तो नकल नहीं हो रहा है। अगर आप वहाँ क्या करें, टीचर बदल दीजिए, दूसरे जिले के दूसरे टीचर कर दीजिए, टीचरों को थोड़ा परेशान करिए, लड़कों को परेशान करके क्या मिलेगा, हर बार हम ही परेशान होंगे। दुबे जी, परीक्षा दिलाने आए कि देने आए? दिलाने आए हैं, आप बड़े यंग लग रहे हैं, हमको लगा देने भी आप नहीं, दिलाने आए हैं, ये हमारी बिटिया है। अच्छा, अच्छा, क्या नाम है आपका? रीतम दुबे। रीतम दुबे जी, कैसा रहा? अच्छा, मम्मी भी आई है क्या? नहीं, मम्मी नहीं है, मेरी आंटी ये भी देने आई थी। सॉरी आंटी, कैसी रही परीक्षा? ठीक ही थी। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है, बड़े आराम से आई है। अरे बड़े आराम से आई, पूछिए नहीं, इधर इतने पैसे दे के आई हूँ, 1000-1000 रुपए लग जा रहा है बिना मतलब के, ये कहाँ भेज दिए हैं पता ही नहीं है, जाओ जो सड़क है कहाँ चले हैं, ये तो सोच के देना चाहिए था, सेंटर का ही ढंग का देना चाहिए था, इतना दूर ना भेजे, कम से कम अपने ही जिले में रखते, इतना दूर रख दिए, कोई मतलब ही ना निकल रहा है आने जाने का। मुख्यमंत्री साहब को संज्ञान लेना चाहिए था कि 1-2 स्पेशल ट्रेन, 1-2 जो रोडवेज रोक नहीं रही भाई, कम से कम ये सब व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए थी। हम लोग की उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ना रोडवेज रोक रही है, बहन बेटी है धक्के मुक्के लात घूसे खा के आई हैं, ये वाली चीज़ से बड़ा तकलीफ होता है यार। 4-4, 5-5 साल हम लोग इलाहाबाद रहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो रही, कोई गारंटी नहीं है कि ये पेट दे के जाएंगे निकल जाएंगे तो कोई वैकेंसी आएगी। 2023 में आचार संहिता लागू हो जाएगा, 2024 में चुनाव है, इतने दूर से आए हैं बड़ी आस के साथ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अंजलि माखीजा। अंजलि जी, ठीक रहा? अच्छे से आयो, मजे से आयो? नहीं, अरे कहाँ मजे से आए हैं, कैसे? गाँव में तो पेपर था। गाँव में पेपर था? सैंडी। अच्छा, फिर क्या, फिर देखे कैसे आए? गाँव गए थे बस से, पहले यहाँ से ट्रेन से गए हरदोई, फिर स्टेशन पे रुके हम लोग, लड़कियाँ थी खाली, देन उसके बाद फिर बस से सैंडी गए, और सैंडी में भी गाँव के अंदर था काफी जाके, और अकेली लड़कियों को इतनी दूर भेज दिया, कानपुर से हम लोग। अच्छा, अब कोई ट्रेन भी नहीं है। अब क्या करोगे रात को, अकेले ऐसे किसी के साथ आए? अकेले थे। अकेले आए हो? अरे बाप, रात को कैसे रुकोगे बेटा? अब यहीं से वापसी, अभी पुष्पक चलेगी ना 9:30 बजे, फिर 12 बजे तक पहुंचेंगे अपने स्टेशन। हम लोग वहां से आए हैं, 65 किलोमीटर लड़कियां फुटपाथ पे लेटे हैं, जिनके घर के माँ बाप इतने सपने सजाए हैं फुटपाथ पे लेटे हैं, ऊपर से सुबह एसडीएम साहब आएंगे, रिपोर्ट दे देंगे कि यहाँ का पेपर लीक हो गया है, मुख्यमंत्री साहब के कान में तेल गया होगा, वो नहीं बोलेंगे दोबारा कि हमारे पेपर लीक हो गया, नहीं पेपर अमान्य कर देंगे, मान्य होगा, वो नहीं सुनेंगे। हमारी समस्या है, हम लोग यार हम क्या बताएं, ट्रेन आ रहा था ना, हम लोगों से पहले मालगाड़ी लाई जा रही थी, 8 बजे का ट्रेन था, बिना खाए पिए मर रहे थे, 12:40 पे ट्रेन पहुंची है, कोई मतलब विद्यार्थी, हाँ हम लोग देश के भविष्य और युवा हैं, हम लोगों के साथ खेला जा रहा है, इसलिए क्यों पता है, हम शिक्षित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मांगेंगे, ये जो दादा चाचा बैठे हैं इनको 5 किलो राशन भाग गया है, ये 5 किलो राशन पे वोट दे जाएंगे, और जब हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा, सब अपना अनपढ़ रहो यहीं, आओ उसके बाद बाबा जी के बात मानो। आए हैं बाबा जी के, सुने थे हम लोग जौनपुर से हैं कि बड़ा बढ़िया प्लेटफार्म होता है, अरे हमसे अच्छे कुत्ते सो रहे थे बोलने, वो सही बता रहे, भगवान के सब वो बोरी पर चढ़ के लेटे थे, हम लोग 10-10 रुपए की पन्नी लिए, उस पर मिला भी नहीं, वही ज़मीन पर लेटे पड़े थे। अरे अगर आपको करवाना था 2 दिन के अंदर, हम लोग की कोई व्यवस्था होती, 2 स्पेशल ट्रेन चला देते, रक्षाबंधन पर रोडवेज फ्री, रक्षाबंधन पर रोडवेज फ्री, हम यहाँ चूतिया बन के रोडवेज को हाथ दे रहे हैं गायब।